राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी का कार्यकाल अगस्त माह में समाप्त हो रहा है, जिसको प्रदेश सरकार ने बढ़ा दिया है। अंजू चौधरी के कार्यकाल को बढ़ाए जाने पर भाजपा सहित महिला संगठनों ने खुशी का इजहार किया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं पूर्व मेयर अंजू चौधरी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी, साथ ही महिलाओं के हित के लिए काम करती रहूंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष एवं पूर्व मेयर अंजू चौधरी ने कहा, हम सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हम लोगों के कार्यकाल को आगे बढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हम लोग मिलकर जुल कर जितनी हमारी सदस्याएँ हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब मिलकर के लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हम महिलाओं के हर तरह से उनको जागरूक करना, उनको सुरक्षित रखना, उनके लिए न्याय दिलाना, पुलिस या थाने में जाकर के उनको परेशानी होती है तो उसका समाधान करना और घरेलू हिंसा से रोकना, उनको हर तरीके से उनको हम लोग जानकारी देते हैं कि किस तरह से उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, उनके क्या क्या न्यायिक और विधिक उनको लाभ मिल सकता है। लेकिन जब तक वो जानेंगे नहीं कि उनको सरकार ने उनको क्या क्या योजनाएं बनाया है जिसके तहत वो उनको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं, इन सबको जानकारी देते हैं हम लोग। और हम लोगों ने यहाँ से की चौपाल लगा करके और गांव-गांव में जा करके और हॉस्पिटल्स जो हमारे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, सामुदायिक केंद्र हो या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, वहाँ भी हम लोग जा करके लोगों को महिलाओं को बताते हैं कि किस तरह से सुमंगला योजना उनके लिए है और उनके लिए फ्री डिलीवरी की है और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद अभी वैक्सीनेशन जब चल रहा था तो उसके लिए भी हम लोग पूरे जगह पूरे प्रदेश में घूम घूम करके लोगों को जागरूक किए कि वो ज़रूर से वैक्सीनेशन लें और अपने को सुरक्षित रखें कोविड से। तो ये हम लोगों का काम जो है वो सराहनीय रहा है। और एक एक सदस्य को तीन तीन जिला दिया गया था और जो हम उपाध्यक्ष दोनों हैं या अध्यक्ष हैं, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करके और हॉस्पिटल्स हैं या मंदबुद्धि वृद्धा केंद्र है या बालिका संरक्षण केंद्र है या कस्तूरबा गांधी स्कूल्स हैं या जो प्राइमरी स्कूल्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं और जितने इस तरीके के सरकार द्वारा दिए गए सुविधा है उसके निरीक्षण करते हैं और जो भी कमी होती है उसको सरकार के पास भेजने के काम करते हैं। तो हम लोग सब लगातार काम कर रहे हैं और बहुत ही समझिए कि लोगों के बीच में जागरूकता हो गई है कि महिला आयोग एक ऐसा आयोग जहाँ की महिलाओं की पीड़ा को सुनी जाएगी और उनको न्याय दिलाया जाएगा। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब तक हमारे पास 22,000 प्रकरण आ चुके हैं जिसमें से 11,840 हम लोगों ने निस्तारित किया है और अभी प्रचलित है 10,160 के करीब। तो हम लोग मिलजुल करके कोरोना काल में भी व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और हम लोगों का जो एक नंबर है ऑफिस का, उस नंबर पर भी लोगों से उनके पीड़ा को लिख मंगवाया है और उनके आधार कार्ड के साथ एप्लीकेशन लेते हैं और फिर उस पर जो कार्रवाई होता है उसको हम लोग करते हैं। तो हर चीज़ के सत्यापन कर करके कि ये सही में सही है कि नहीं, तो बहुत आज अंतरात्मा से हमारी बहनों को हम लोग के ऊपर विश्वास हो गया है कि महिला आयोग के द्वारा उनको न्याय मिलेगा। इसी कारण से हमारे घर से सरकार ने देखा कि हम लोगों ने अच्छे काम किए हैं तो आगे भी हम लोग अच्छा काम करेंगे और जो लोगों की इच्छा है वो है, एक्सपेक्टेशन है, हम लोग उस पर खड़े उतरे हैं। और हम लोग साइबर क्राइम से लेकर के वुमेन ट्रैफिकिंग हुआ, मानव ट्रैफिकिंग हुआ, कोविड के लिए हुआ जागरूकता, मिशन शक्ति अभियान चलाया, उसके बाद विधिक जागरूकता, घरेलू हिंसा पर किस तरीके से वो हो, ये सब जितनी भी परेशानियां आई हैं और ये अभी लीगल इलीगल रिलेशनशिप जो था वो उसको ऊपर भी अभी सुप्रीम कोर्ट से आया था तो उस पर भी हम लोगों ने क्लियरली समझाया है कि डिवोर्स के बाद ही इलीगल रिलेशनशिप रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते हैं। तो ये दोनों पक्ष के लिए है, चाहे पुरुष पक्ष हो या महिला पक्ष हो, हम लोग का बस मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और महिला अपने उसको समझे, अपने सम्मान के साथ और अपने स्वावलंबन से जीना सीखे, अपने पांव पर खड़े होकर परिवार की एक आर्थिक
लाभ दिलाने के लिए वो भी काम कर सके, कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और अपने बेटियों को बच्चों को संस्कार दे सके सही, इन सब चीज़ों की हम लोग कोशिश करते हैं पूरी कि हम लोग उनको जानकारी दे करके और समाज का सुधारीकरण करें और समाज में लोग हम लोगों के ऊपर विश्वास करें। इसी वजह से हम लोगों को फिर से एक्सटेंशन मिला है और 3 साल का एक्सटेंशन होगा शायद हमारे ख्याल से।